सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। इस वक्त हर जुबा पर सिर्फ और सिर्फ यही भजन गुनगुनाया जा रहा है। फोन की कॉलर ट्यून से लेकर आम बातचीत के दौरान भी लोगों की जुबान पर ये शब्द गूंज रहे हैं। सच है कि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने घर लौट रहे हैं। राम टेंट से आज महल पर पहुंचे हैं। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रख दिया गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन इससे पहले लोगों ने रामलला के बाल स्वरूप के अति आकर्षक मूर्ति के दर्शन किए। एक दिन पहले जब रामलला की पहली झलक मिली तो लोगों के स्टेटस और डीपी में केवल वही तस्वीर नजर आ रही थी। ऐसे में बहुत लोगों के मन में एक सवाल भी आ रहा है कि आखिरकार रामलला की मूर्ति काले पत्थर से ही क्यों बनाई गई है। आज हम आपको इस पत्थर की विशेषता भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले रामलला की मूर्ति की खासियत जान लीजिए। ये मूर्ति 5 वर्षीय बाल स्वरूप में बनाई गई है, जिसमें रामलला के बाल रूप को पत्थर से बने कमल पर विराजमान दिखाया गया है। मूर्ति पर विष्णु के 10 अवतार, ओम, स्वास्तिक, शंख, चक्र भी मौजूद है। प्रभु श्री राम विष्णु भगवान के अवतार थे, इसलिए भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को शामिल किया गया है, जो प्रभु श्री राम की मूर्ति को और भी ज्यादा भव्य बना रहे हैं। श्री राम की प्रतिमा के सिर पर सूर्य बनाया गया है। श्री राम सूर्यवंशी थे और उनका जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था, जिस वक्त सूर्य की तीव्रता अपने चरम पर होती है। रामलला की मूर्ति के चारों ओर बने विग्रह में भगवान राम के 10 अवतार के दर्शन होते हैं। इसमें सबसे पहले मत्स्य, दूसरे में कूर्म, तीसरे में वराह, चौथे में नरसिंह, पांचवें पर वामन, छठे पर परशुराम, सातवें पर राम, आठवें पर कृष्ण, नौवें पर बुद्ध और 10वें स्थान पर कल्की के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही एक तरफ हनुमान, दूसरी ओर गरुड़ भी विराजमान है। अब हम उस काले पत्थर की विशेषता आपको यहाँ पर बताएंगे जिससे इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। रामलला की ये मूर्ति काले रंग के पत्थर से बनी है। इसकी ऊंचाई 51 इंच और वजन करीब 200 किलोग्राम है। जिस काले पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है वो शालिग्राम है, जो एक पत्थर की तरह होता है। प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए इसे नेपाल की गंडक नदी से निकाल कर लाया गया था। जिस वक्त इस पत्थर को गंडक नदी से निकाला जा रहा था, उस वक्त भी नदी से प्रार्थना करके पत्थर लाया गया था। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कई घरों में इनकी पूजा होती है। इसके अलावा इसे तैयार करने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज की पत्नी विजेता योगीराज ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए इस पत्थर का उपयोग करने की एक खास वजह भी है। कृष्ण शिला में ऐसे गुण हैं कि जब आप अभिषेक करते हैं, यानी जब आप दूध प्रतिमा पर चढ़ाते हैं, तो आप उसका उपभोग कर सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। इस पत्थर से दूध के गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। इस कारण से इस पत्थर का चयन किया गया है, क्योंकि यह किसी भी एसिड या आग या पानी से कोई रिएक्शन नहीं करता। यह आगे आने वाले 1000 साल से भी अधिक वक्त तक कायम रहने वाला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।